हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? तो होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सबके घर में ऐसा ही होता है, जैसा कि हमारे घर में। तो देख सकते हैं बुक्स के जो हैं वो अलमारियां भरी पड़ी हैं और ये कभी खाली नहीं होती है। तो अगली क्लास में जाने वाले हैं बच्चे और ये बुक्स खाली नहीं होंगी। तो अब ये देखिए एक अलमारी, ये भी भरी पड़ी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक एक्स्ट्रा अलमारी, जो कि आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो ये क्या है मेरे पास, क्रेट। ये दो क्रेट मैंने लिए हैं और दोनों क्रेटों को मैंने यहाँ ग्लू गन से जो है वो चिपका दिया है, कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये देखो, और ये बीच से मैंने रस्सियों में बांध दिया है। यहाँ यहाँ भी छेद है, यहाँ भी छेद है, तो ये रस्सियों में बांध दिया है। ये देखिए, तो ये रस्सियों से बंध गया है। तो इसको डेकोरेट किया है मैंने लेस से। पहले मैंने बना दी थी, फिर मैंने सोचा एक ब्लॉग ही बना लूं, और जिससे आपको भी हेल्प मिल सकती है कि आप भी इस तरह से कम बजट में जो है अपनी बहुत ही खूबसूरत अलमारी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये डेकोरेट कर दी है, लेस लगा के इस तरह भी कर दी है। और फिर इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे ये कुछ चिपकाया है कपड़ा, ताकि ये लगे ना कि ये क्रेट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कार्डबोर्ड है जो कि वैसे ही घर में बेकार पड़ा हुआ था। तो ये कार्डबोर्ड को मैंने साइज से काटा, इस साइड से भी काटा, जो साइज था उसको लेके काटा, इसको भी काटा। तो इस तरह से इसके ऊपर जो है वो मैंने जो पुराने जो पगड़ी के कपड़ा होता था, काफी पड़ा था, तो उसके साथ जो है वो स्टिच कर दिया, जो कि मैंने बहुत जल्दी जो है स्टेपलर की सहायता से ये कर दिया। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, ये इसका साइज है। ये देखिए, कुछ इस तरह से जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो सेट हो रहा है। ये देखिए, और ये इसका साइज है। सेट करने के लिए ये इस साइड से रख दिया। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत अलमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। और इसको कवर करने के लिए मैं एक यहाँ पे दुपट्टा बिछा दूंगी, और बहुत ही बढ़िया जो ये अलमारी बन के तैयार हो जाएगी प्रीशा के लिए, बुक्स के लिए। यहाँ पे बुक्स रख सकते हैं। अगर इसे बड़ी अलमारी बनाना चाहें तो एक क्रेट ऊपर और एडजस्ट कर सकते हैं उससे बड़ा, पर मेरे को इतनी ही अलमारी चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया अलमारी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। कैसी लग रही है आप कमेंट कर में करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें, और अगर आप बनाएं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने भी ऐसी बनाई है और हम तैयार करेंगे ऐसा कुछ। तो हमें तो ये बहुत ही यूज़फुल लगी ये अलमारी, क्योंकि हमने ये तैयार कर ली है। अभी इसमें प्रीशा जो है बुक सेट करेगी अपनी नोटबुक और बुक आने वाली जो नई क्लास के लिए। तो एक और वीडियो के साथ होंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया अलमारी जो है बनके तैयार हो चुकी है, और प्रीशा रख रही है अपनी नोटबुक को कि जल्दी से मैं इस अलमीरा में रखूं। तो ये देखिए, ऊपर से जो ये लग रहा है कि ये क्रेट है, तो इससे इससे जो है वो मैं दुपट्टे से ढक दिया है। और इसमें जो है ऊपर पेन स्टैंड, पेंस कलर वगैरह जो है प्रीशा के आ जाएंगे, और नीचे नोटबुक आ जाएंगी और ऊपर बुक आ जाएंगी। इस तरह से ये तैयार हो चुकी है अलमारी।